हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है दैट इज पेस्टिसाइड्स। सो पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड एक केमिकल है जिसको यूज किया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। सो पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए जो केमिकल यूज किया जाता है इसको हम बोलते हैं पेस्टिसाइड। पेस्ट मतलब कोई भी हानिकारक जीव या फिर विनाशकारी कीट जो कि हमारी फसलों को हार्म कर सकते हैं, इनको हम बोलते हैं पेस्ट। पेस्ट कुछ भी हो सकते हैं, लाइक इंसेक्ट्स, वीड्स, प्लांट डिजीजेस, वीड्स, निमेटोड्स, स्नेल्स एटसेट्रा। सो यहाँ पे जो पेस्टिसाइड है ये 4 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज इंसेक्टिसाइड, सेकेंड इज फंजिसाइड, थर्ड इज हर्बिसाइड एंड फोर्थ इज रोडेंटिसाइड्स। सो इन पेस्टिसाइड के अंदर से जो मोस्ट कॉमनली यूज होते हैं दीज आर हर्बिसाइड, बिकॉज इसको हम यूज करते हैं ऑलमोस्ट 80%। सो 80% ऑफ अप्रोक्सीमेटली यूज फ्रॉम ऑल ऑफ दीज पेस्टिसाइड। सो यहाँ पे पेस्टिसाइड को हम यूज करते हैं एज अ प्लांट प्रोटेक्शन प्रोडक्ट की तरह, बिकॉज पेस्टिसाइड यहाँ पे क्या करते हैं, प्लांट को सेव करते हैं या फिर हमारी जो क्रॉप होती है उसको बचाते हैं फ्रॉम दीज पेस्ट, या फिर हम बोल सकते हैं दीज इंसेक्ट, वीड्स, स्नेल्स एटसेट्रा। सो कुछ पेस्टिसाइड क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं केमिकल फैमिलीज के अंदर, ग्रुप्ड होते हैं केमिकल फैमिलीज के अंदर, जिनको हम बोलते हैं ऑर्गेनोक्लोरीन फैमिलीज, ऑर्गेनोफॉस्फेट फैमिलीज या फिर कार्बामेट्स। ऑलराइट, सो कुछ हमारे पास पेस्टिसाइड जो है क्लासिफाइड होते हैं बेस्ड ऑन देयर बायोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड एप्लीकेशन मेथड। लाइक यहाँ पे हमने देखा था जो पेस्टिसाइड है ये 4 कैटेगरीज के अंदर डिवाइडेड है, बट ये जो पेस्टिसाइड है इसको हमने किस तरीके से अप्लाई किया है और जो पेस्ट है उसने इस पेस्टिसाइड को किस तरीके से इंटेक किया है, लाइक फूड के द्वारा इंटेक किया है या और किसी माध्यम से उसने इंटेक किया है इस पेस्टिसाइड को, तो यहाँ पे ये जो पेस्टिसाइड है ये क्लासिफाइड है ऑन द बेसिस ऑफ दिस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म। एंड यहाँ पे ये जो बायोलॉजिकल मैकेनिज्म है ये पेस्ट के अंदर किस तरीके से फॉलो हो रहा है, लाइक क्या उसके अंदर मैकेनिज्म हो रहा है पेस्ट के अंदर, वो किस तरीके से किल हो रहा है। सो यहाँ पे ये 2 तरीके के ऊपर बेस्ड है। सो फर्स्ट इज बायोलॉजिकल मैकेनिज्म एंड सेकेंड इज एप्लीकेशन मेथड। सो ये तो है हमारा पेस्टिसाइड। अब हम पेस्टिसाइड के बेनिफिट्स देख लेते हैं। सो मोस्ट कॉमन बेनिफिट जो है दैट इज जो पेस्टिसाइड है ये सेव करता है फार्मर के मनी को, बिकॉज फार्मर के मनी को इस तरीके से सेव करता है, लाइक ये क्रॉप का जो लॉस हो रहा है, क्रॉप की जो प्रोडक्टिविटी हो रही है उसके लॉस से फार्मर को बचाता है, बिकॉज यहाँ पे क्रॉप का लॉस नहीं हो रहा है ड्यू टू दीज पेस्ट। सो इन पेस्ट की वजह से कोई भी क्रॉप का लॉस नहीं हो रहा है। सो यहाँ से फार्मर का जो मनी है वो सेव हो रहा है, ठीक है। सो मोस्ट कॉमन बेनिफिट यही है। एंड यहाँ पे 2 बेनिफिट्स और भी हैं पेस्टिसाइड के। सो फर्स्टली ये क्या सेव करता है, फार्मर का मनी। बेनिफिट्स, सो ये सेव करता है फार्मर का मनी, फार्मर्स मनी, ठीक है। सो यहाँ पे 2 बेनिफिट्स होते हैं, 2 बेनिफिट्स। फर्स्ट इज प्राइमरी बेनिफिट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी बेनिफिट। सो प्राइमरी बेनिफिट वो बेनिफिट होते हैं लाइक हमने क्या किया, पेस्टिसाइड को अप्लाई कर दिया और डायरेक्ट हमको उसका जो है बेनिफिट मिल गया। सो बेनिफिट दैट गेन्स फ्रॉम डायरेक्ट यूज एंड सेकेंडरी बेनिफिट वो बेनिफिट होते हैं लाइक जो वो बेनिफिट जो हमको लॉन्ग टर्म के अंदर जिसका बेनिफिट हमको मिले। सो बेनिफिट विच आर लॉन्ग टर्म। सो अब हम प्राइमरी बेनिफिट की बात करते हैं। सो प्राइमरी बेनिफिट के अंदर हमने क्या
क्या अप्लाई किया है, पेस्टिसाइड को अप्लाई किया। सो प्राइमरी बेनिफिट के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अप्लाई किया पेस्टिसाइड को। सो पेस्टिसाइड को अप्लाई करने से क्या होगा, जो पेस्ट है वो डिस्करेज हो रहे हैं या फिर किल हो रहे हैं। सो क्या हो जाएगा, पेस्ट कंट्रोल हो रहे हैं, यहां से हम ये बोल सकते हैं पेस्ट जो है कंट्रोल हो गए। सो पेस्ट अगर कंट्रोल हो गए तो यहां से हमारे पास क्या आ रहा है, जो हमारी क्रॉप है उसकी यील्ड क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इंप्रूव हो जाएगी, इंप्रूव क्रॉप यील्ड, मतलब जो हमारी क्रॉप है, जो फसल है उसकी क्वालिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, और उसकी क्वांटिटी क्या होगी, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। सो यहां से इंप्रूव क्या हो रही है, इंप्रूव क्रॉप क्वालिटी, बिकॉज ये जो हमारे पास क्रॉप है इसको पेस्ट ने हार्म नहीं किया है, इसलिए हमारे पास क्रॉप जो है अच्छी क्वालिटी की होगी। सो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, हमको क्या मिल रही है, एक गुड क्रॉप मिल रही है जो कि हमारे लिए बहुत अच्छी है। सो ये था इसका प्राइमरी बेनिफिट, बिकॉज जो पेस्टिसाइड है इसके डायरेक्ट यूज से ये बेनिफिट हमको मिल रही है। सेकेंडरी बेनिफिट इसके अंदर क्या होगा, लाइक हमने यहाँ पे एक बार यूज किया पेस्टिसाइड को और कुछ टाइम तक हम पेस्टिसाइड जो है यूज नहीं कर रहे हैं और बहुत टाइम तक हमको ये जो इफेक्ट है ये मिल रहे हैं, तो ये हो जाएंगे हमारे पास सेकेंडरी बेनिफिट्स। ऑलराइट, सो यहाँ पे ये तो थे पेस्टिसाइड के बेनिफिट। अब यहाँ पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं लाइक हमारी हेल्थ के ऊपर एंड एनवायरमेंट के ऊपर, सो अभी हम उसको देख लेते हैं। सो सबसे पहले हम देखते हैं हमारे हेल्थ के ऊपर क्या इफेक्ट होता है पेस्टिसाइड्स का। पेस्टिसाइड्स क्या होते हैं, पेस्टिसाइड्स आर केमिकल और ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक नेचर के होते हैं, इसी वजह से ये एडवर्स हेल्थ इफेक्ट हमारे ऊपर बहुत ज्यादा हो जाता है, लाइक सिंपल स्किन इरिटेशन से आई इरिटेशन हो सकता है, आई इरिटेशन एंड सम टाइम ये हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके ऊपर भी अटैक करता है, सो नर्वस सिस्टम को भी अफेक्ट करता है। और समटाइम क्या होता है लाइक हार्मोनल डिसबैलेंस भी हो जाता है ड्यू टू दिस पेस्टिसाइड, और जिसकी वजह से हमको बहुत ज्यादा रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। सो रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स ड्यू टू हार्मोनल डिसबैलेंस, हार्मोनल डिसबैलेंस एंड समटाइम ये जो पेस्टिसाइड है ऑल्सो कॉज करते हैं कैंसर को। सो इस तरीके से पेस्टिसाइड का हमारे हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा एडवर्स हेल्थ इफेक्ट है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो पेस्टिसाइड है इसका यूज इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर, लाइक अगर हम बात करें अमेरिका की, सो अमेरिका के अंदर एवरी ईयर $3 बिलियन पेस्टिसाइड जो है यूज हो रहे हैं हर साल, और इनकी जो इंक्रीजिंग पावर है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रही है एवरी ईयर। सो ये था हमारी हेल्थ के ऊपर अफेक्ट। अब हम देखते हैं इफेक्ट ऑन अवर एनवायरनमेंट। सो एनवायरनमेंट का भी बहुत एडवर्स इफेक्ट है पेस्टिसाइड्स का। बिकॉज पेस्टिसाइड टॉक्सिक नेचर के होते हैं, इसी वजह से एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट है, लाइक 98% इंसेक्टिसाइड्स जो हैं, इंसेक्टिसाइड्स एंड 95% हर्बिसाइड्स, ये जो है हमारे पास प्रेजेंट होते हैं स्प्रे कैन की फॉर्म में, स्प्रे फॉर्म में हमारे पास प्रेजेंट होते हैं।
इनको हम यूज करते हैं हमारी प्लांट्स के ऊपर या फिर क्रॉप के ऊपर इन अ फॉर्म ऑफ स्प्रे। तो जब हम स्प्रे करते हैं तो इससे क्या होता है, इससे कॉज होता है एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनको हम यूज कर रहे हैं स्प्रे फॉर्म में, बट अगर हम बात करें ये जो हमारे पास प्लांट्स या फिर क्रॉप होती है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, सोइल के अंदर। सो यहाँ पे हम ये जो पेस्टिसाइड है किसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, प्लांट्स के ऊपर। सो इसकी वजह से यहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा पेस्टिसाइड की वजह से, सोइल पॉल्यूशन। ऑलराइट, सो यहाँ पे वो एयर पॉल्यूशन हो रहा है, सोइल पॉल्यूशन हो रहा है, एंड यहाँ पे प्लांट्स को हम क्या प्रोवाइड करते हैं, वाटर, ताकि हमारी जो फसल है वो अच्छी हो, प्लांट्स अच्छे हो। सो इसलिए यहाँ से हम वाटर जब प्रोवाइड करते हैं, सो यहाँ पे कुछ ना कुछ पेस्टिसाइड जो है वाटर के अंदर भी आ जाते हैं, और ये जो वाटर है कुछ बाहर निकल जाता है जो कि चला जाता है रिवर एंड पॉन्ड्स के अंदर, जिसकी वजह से हो जाता है वाटर पॉल्यूशन, बिकॉज इस वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, पेस्टिसाइड। सो इस तरीके से ये हमारे एनवायरनमेंट को भी अफेक्ट करता है। ठीक है, सो ये हो गए इफेक्ट ऑन अवर हेल्थ एंड एनवायरनमेंट। सो अब हम देख लेते हैं पेस्टिसाइड के यूजेस। सो पेस्टिसाइड्स के बहुत सारे यूजेस हैं। सो जो यहाँ पे मेन यूज है दैट इज टू कंट्रोल पेस्ट। सो यूजेस ऑफ पेस्टिसाइड्स, सो जो मेन यूज है वो क्या है, ये कंट्रोल करता है पेस्ट को। पेस्टिसाइड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल और किल पेस्ट्स, लाइक पेस्ट कुछ भी हो सकते हैं, लाइक वीड्स हो सकते हैं, प्लांट्स डिजीज हो सकते हैं, एटसेट्रा, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। सो फर्स्ट यूज हो गया, ये कंट्रोल करता है या फिर किल करता है पेस्ट को। सेकंड यूज इज कुछ पेस्टिसाइड इस तरीके के होते हैं जो कि हमारे पास जो एनिमल्स होते हैं उनको इलनेस से बचाता है, लाइक उनको बीमार होने से बचाते हैं कुछ पेस्टिसाइड। सो पेस्टिसाइड प्रिवेंट इलनेस इलनेस फ्रॉम एनिमल्स। ठीक है, एंड थर्ड इज जो पेस्टिसाइड होते हैं वो प्रिवेंट करते हैं ह्यूमन बींग को सिकनेस से। सो ये किस तरीके से करते हैं, लाइक हम पेस्टिसाइड का जो है यूज करते हैं प्लांट्स के ऊपर, प्लांट्स पे लाइक हमारे फ्रूट्स वगैरह होते हैं या कोई भी चीज जो हम खाते हैं, लाइक ये हमारे पास फ्रूट है, अगर हमने इसके ऊपर पेस्टिसाइड यूज नहीं किया है तो क्या होगा, कोई भी पेस्ट है इस फ्रूट को आराम से खा सकता है, इसको बाइट कर लेगा, और अगर उसने बाइट कर लिया और हमको नहीं पता है कि ये जो फ्रूट है पेस्ट ने बाइट किया हुआ है, ये हमारे लिए ठीक नहीं है, और अगर इसको हमने इनहेल कर लिया, इनटेक कर लिया, तो क्या होगा, इससे बहुत सारी डिजीज हमको हो सकती है ड्यू टू दिस पेस्ट, बिकॉज ये जो पेस्ट होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। सो इस वजह से ये जो पेस्टिसाइड है ये प्रिवेंट करते हैं ह्यूमन बींग को फ्रॉम सिकनेस ड्यू टू दीज मोल्डी फूड्स। एंड फोर्थ वन इज लाइक पेस्टिसाइड के अंदर जो मेनली हम यूज करते हैं दैट इज हर्बिसाइड। सो हर्बिसाइड जो है मेनली यूज होता है, लाइक कोई भी हमारे पास एक रोड प्रेजेंट है जिसके ऊपर ऐसे ही घास फूस उगी हुई है या फिर कोई ऐसे ट्रीज हैं जो कि टूटे हुए हैं, उनको क्लियर करने के लिए जो हम यूज करते हैं दैट इज हर्बिसाइड। हर्बिसाइड इज यूज्ड टू क्लियर रोड साइड सच एज ब्रांचेस ट्रीज वीड्स एटसेट्रा। एंड फिफ्थ इज जो हर्बिसाइड्स होते हैं
हर्बिसाइड्स, इनको हम ऑल्सो यूज करते हैं पॉन्ड्स एंड लेक के अंदर एल्गे से पॉन्ड्स और लेक को प्रिवेंट करने के लिए. सो हर्बिसाइड्स आर यूज्ड इन पॉन्ड्स एंड लेक टू प्रिवेंट फ्रॉम एल्गे. ऑलराइट, सो ये हैं यूजेस पेस्टिसाइड्स के. एंड यहां पे एक स्पेशल नोट है, दैट इज डीडीटी एंड ऑर्गेनोक्लोरीन. सो डीडीटी एंड ऑर्गेनोक्लोरीन पेस्टिसाइड्स जो हैं, ये बैंड है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज के अंदर, बिकॉज ये बहुत ज्यादा टॉक्सिक नेचर के हैं और इनका जो परसिस्टेंस है एनवायरनमेंट के अंदर बहुत ज्यादा है. इस वजह से ये जो पेस्टिसाइड है बैंड है. ऑलराइट, सो ये था आज का हमारा टॉपिक पेस्टिसाइड. होप ये आपको समझ आया होगा. और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे इंसेक्टिसाइड्स, उसके टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन. सो अगर आज का टॉपिक आपको समझ में आया तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए. थैंक यू सो मच.